आप देख रहे हैं बेसी कुकिंग विद मंदीप। आज मैं बना रही हूँ कपकेक। मैं दो तरह के कपकेक बनाऊंगी, एक कस्टर्ड कपकेक और दूसरा चॉकलेट कपकेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कप को ऑयल लगा लेंगे। आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगा लें, नहीं तो ऐसे हैंड से कर लें, आपकी मर्जी है। अगर आपने इसमें कोटिंग करनी है तो आप मैदे की कोटिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा मैदा डाल के। अगर नहीं करनी तो बस इसमें तेल लगा लें, क्योंकि इनमें जो केक है वो चिपकता नहीं है, इसलिए ऑयल की कोटिंग ही बहुत है इसमें। कोटिंग होने के बाद हमने एक कढ़ाई, जहाँ आप कुकर में बना रहे हैं उसको रख देना है प्री हीट होने के लिए। उसके ऊपर ऐसे प्लेट रख देनी है और अभी हम 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट करेंगे कवर करके। केक बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, आधा कप रिफाइंड ऑयल लिया है, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3/4 कप शुगर ली है। आपने जब भी केक बनाना है तो एक जैसे ही कपों का इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को हमने अच्छे से मिलाना है 3-4 मिनट के लिए। जब भी आप केक बनाएं तो जो भी आप बैटर बना रहे हैं उसको एक तरफ को आपको फेंटना है। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर, जो मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, जो आसानी से मार्केट से मिल जाता है। ये देखिए ये वनीला फ्लेवर का है। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध हमने यहाँ बिल्कुल ठंडा दूध लेना है, क्योंकि कस्टर्ड हमेशा ठंडे दूध में बनता है। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। जो केक का मिश्रण है उसको एक ही तरफ चलाना है, ताकि जो केक है वो स्पंजी बने। इसमें 1 कप दूध लग गया है। 1 चम्मच मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 1 पिंच दालचीनी पाउडर लिया है, जो ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालना तो ना डालें। बेकिंग पाउडर डाल के हमने इसको ज़्यादा नहीं चलाना, बस मिक्स करना है। चलिए बैटर को कप में डाल देते हैं। देखिए कप को ऊपर तक फिल नहीं करना है, इसको थोड़ा सा छोड़ देना है, क्योंकि जब हमारा केक फूलेगा तो फिर बाहर निकल जाएगा। मैंने सारे कपों में फिल कर लिया है। अभी मैं इसमें चेरी डाल रही हूँ। आप चाहें तो चॉको चिप्स डाल लें, चाहे ड्राई फ्रूट डाल लें, जो आपकी चॉइस है। चेरी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। अभी हम इसमें अपने कपकेक रख रहे हैं। कपकेक बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका कुकर या कढ़ाई है वो थोड़ी हैवी होनी चाहिए। को कवर कर देंगे और 30 मिनट के बाद देखेंगे इसको। इसको लो फ्लेम पे रखना है। अभी मैं बना रही हूँ चॉकलेट कपकेक। सारे प्रोसेस सेम है, जहाँ हमने कस्टर्ड पाउडर डाला था वहाँ हमने चॉकलेट पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास चॉकलेट सिर्प है तो आप चॉकलेट सिर्प डाल दीजिए। मैं यहाँ 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ। वहाँ हमने कस्टर्ड पाउडर डाला था तो दूध हमने ठंडा लिया था, जहाँ हमने रूम टेम्परेचर पे दूध लेना है। मिक्स कर लेते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। चलिए इनको कप में डाल लेते हैं। देखिए कप को ऊपर तक फिल नहीं करना है। बैटर मैंने डाल लिया है। अभी मैं इसके ऊपर चॉको चिप्स डाल रही हूँ। चलिए इनको भी रखते हैं। देखिए जहाँ मैंने मैंने एक कटोरी रखी है इसके बीच में, ऊपर उसके एक प्लेट रख दी है। ये सारे काम आपने ध्यान से करने हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है। चलिए इसको कवर कर देते हैं, फिर देखते हैं 30 मिनट के बाद। 25 मिनट हो गए हैं, मैं देख रही हूँ इसको। देखिए जी 25 मिनट में ही बन चुके हैं। आपने 20 मिनट के बाद एक बार ज़रूर देख लेना इनको, क्योंकि ये जल्दी बन जाते हैं। देखिए देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं ये। अभी इनको निकाल लेते हैं। चलिए चॉकलेट कपकेक भी देख रहे हैं, 25 मिनट हो चुके हैं इनको भी। देखिए जी बिल्कुल बन चुके हैं। चलिए इनको निकाल लेते हैं।
देखिए जो मैंने निकाल लिए हैं, जो बहुत गर्म है, अभी हम इनको ठंडा करेंगे। अभी इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। कपकेक हमारे ठंडे हो चुके हैं। चलिए मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको। देखिए जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जब हम कपकेक बनाते हैं, जो कोई भी कप में आप बना सकते हैं, कप टूटते नहीं हैं। देखिए ये कितना स्पंजी बना है। देखिए अभी मैं चॉकलेट वाला भी दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी मैं आपको इसको काट के भी दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना स्पंजी बना है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका कपकेक कैसा बना। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।